का मुझे नसरा सो रख गया मिनट का, इसलिए मुझे गुर्दे फेफड़ों में दिल में दर्द हो रही है। फ्रेंड्स आई एम द प्रो शेफ, मेरे पास पिछले 40 साल का एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। हम फिर फैट में जमकर आप ठीक हैं तो ठीक हो जाएं, क्योंकि हमारा व्लॉग आ गया है। फ्रेंड्स सीन्स ये हैं कि अनदर डे अनदर व्लॉग ऑन योर स्क्रीन्स, और यहाँ पे मामा ब्रेकफास्ट कर रही है। मेरा दिल नहीं चाह रहा था आज ब्रेकफास्ट करने को, और आज मुझे ना अपनी तबीयत भी थोड़ी सी लो लग रही है। और पहले ब्रेकफास्ट दिखा दूँ। फ्रेंड ये हैं जी मामा के मज़ेदार किस्म के पतले पतले स्क्वेयर स्क्वेयर पराठास, जो कि इतने स्क्वेयर नहीं है जितना इनको होना चाहिए। साथ में है चाय जिसके अंदर चीनी या गुड़ नहीं है, जो मामा खुद ऐड करेंगी, पानी। तो ये सारे सीन्स हैं मामा के ब्रेकफास्ट के, ये सारे सीन्स हैं जेजी के टॉयज़ के, और जेजी के कार्टून एज़ यूजुअल लगे हुए हैं, लेकिन जेजी जो है ना नहीं देख रहा। जेजी यहाँ पे फ्रेश होकर आया है, इसने अपनी पैंट पकड़ी हुई है। साल में कह रहा है अनिया पैम्पर, अनिया पैम्पर, ये पैम्पर दूँ आपको। फ्रेंड जब भी मैंने जोहर की नमाज़ नहीं पढ़ी, जोहर की नमाज़ पढ़ती हूँ, पहले आपको एक स्टोरी सुना लूँ। फ्रेंड्स रात को एकदम से मुझे दर्द होती है इस जगह पे, ये जहाँ से आपको अम्मा मैंने आपको इधर स्टोरी सुनानी है। मेरा व्लॉग का है, मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा है 11 मिनट का, इसलिए मुझे गुर्दे फेफड़ों में दिल में दर्द हो रही है। फ्रेंड्स यहाँ पे तो ना रात को मुझे एकदम से नहीं, फ्रेंड जी कुछ दिन पहले भी मुझे हो गई थी, और ये मुझे ना एक दो महीने बाद होती रहती है। ये देखें, ये यहाँ पे मुझे दर्द हुई है जहाँ पे ये लाइंस बन रही हैं, तो ये इतना हिल भी नहीं रहा था, इतनी दर्द थी। और ये स्वेल हो गया हुआ था, वेन्स अभी तो नज़र आ रही हैं, हर एक की नज़र आती हैं, लेकिन ये देखें आपको बीच बीच में ना यहीं पे स्वेल भी हुआ हुआ नज़र आ रहा होगा यहाँ से। ये नहीं मैं कैसे, फ्रेंड मैं एरो लगा रही हूँ जहाँ से आपको स्वेल हुआ हुआ नज़र आ रहा होगा, और दोनों ना डिफरेंट हैं। ये देखें थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर मैंने जुराब बांधी थी रात को, तो वो इतनी ज़्यादा, हालांकि मैं ऐसी चीज़ें मुझसे नहीं होती कि जुराब मैं बांध ही रखूँ जितनी देर मामा का है। मुझे इतनी ज़्यादा दर्द थी कि मैंने जुराब बांध ही रखी, और जब मैंने वजू करने के लिए जुराब खोली तो वो बाकायदा उसके निशान बन गए हुए थे जुराब के, और स्वेल हो गया हुआ था। दर्द भी काफ़ी ज़्यादा थी, अब थोड़ा बेहतर है लेकिन स्वेल हुआ हुआ है, और बस अब मैं थोड़ी बेहतर हूँ फ्रेंड्स। एनी वेज आज डिनर के प्लान्स कुछ समझ नहीं आ रहे। मामा ने सोते हुए सोने से पहले मुझे कहा था चने भी खो देना, और मैंने कहा शायद मामा ने मुझे नींद में कहा, मुझे लगा मामा ने मुझे शायद नींद में कहा है। आप ना पता नहीं तीन चार काम आपने ऐसे ही कहे थे, अब मुड़ के सो के उठ के आपने कहे थे। बाकी क्या मैंने किए हुए थे? दुपट्टा तो मैंने आपके उठे ही दे दिया था आपको। फ्रेंड मुझे लगा चने इज नॉट अ गुड आइडिया, इसलिए मैंने नहीं दूंगा। और मैं अब सोच रही हूँ कि आज हम बनाएं, वैसे कसम से मेरे ना जहन में आए कि चने भिगो दूँ, और उसमें ना हम थोड़ा सा चिकन डाल लेंगे, तो वो जो होते हैं ना चने यानी सालन बनाएंगे, और उसके अंदर चिकन श्राइडी श्राइडी सा होगा। लेकिन फिर मैंने सोचा चने नहीं यानी चिकन अंदर ही इतना पकेगा वो सीटियों में कि वो श्राइडी श्राइडी सा हो जाएगा। लेकिन मजा आता है वो, पता नहीं कहाँ हमने खाया था किसी रेस्टोरेंट में, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। तो मामा ये कह रही थी बेसिकली कि चिकन का पीस उसमें पूरा पूरा होता है, नहीं होते हैं ना उनके अंदर पूरी पूरी चिकन का ही, पूरे पूरे चिकन का ही पीस अच्छा लगता है, वैसे श्रेडेड जो होता है ना वो होता है हलीम में। सो मुझे लग रहा था फ्रेंड्स हमने कहीं पर खाया हुआ, और मुझे जहन में भी आ रहा है लेकिन रेस्टोरेंट का नाम नहीं जहन में आ रहा। एनीवेज तो जो जुराब थी ना वो मेरे बहुत ही करीब पड़ी है, जो मामा ने मुझे बांधी थी, और इसके निशानात मेरे बाजू पे बन गए थे। वो कितने डार्क निशान थे, ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा विजिबल, ज़्यादा टाइट हो गया था। तो अभी थोड़ी सी दर्द है लेकिन थोड़ा बेहतर है। रात को तो इतनी ज़्यादा दर्द थी कि जो मैं काम नहीं करती यानी ऐसी चीज़ें नहीं बनवाती, मैंने वो भी बनवा लिया। या अगर मैं बनवा भी लूँ ना तो मैं 5-10 मिनट बाद खोल देती हूँ, अम्मा मुझे चुभ रहा था, लेकिन मैंने कहा शायद आराम आ जाएगा, शायद आराम आ जाएगा, पर थोड़ा बेहतर हुआ था जब मैंने खोला उस टाइम तो नहीं, अब सो के उठ के आई एम फीलिंग लिटिल बेटर। और मामा आपको पराठे कैसे लग रहे हैं? बहुत मज़ेदार। फ्रेंड्स आई एम द प्रो शेफ, मेरे पास पिछले 40 साल का एक्सपीरियंस है कुकिंग में, तो कोई भी रेसिपी मामा हंस रही है, आप भी हंस रहे होंगे आई एम श्योर। बस मैं अम्मा मैंने तो मजाक किया है, मेरा भी 40 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो इन नानों का 40 साल का एक्सपीरियंस है,
तो फ्रेंड मैंने कब कह दिया कि असली में कि मेरा 40 साल का, आपको लगता है मैं 40 साल की हूँ? मामा आपको लगता भी हो 40 साल की, लेकिन मामा अगर 40 साल की है तो मामा का क्या पैदा होते ही मामा ने किचन में हाथ रसोई रसोई में पहली चीज़ बना ली थी। फ्रेंड्स हमने नानों की इतनी एज बता दी है मेरी, यूट्यूब पे तो लोग अपनी नानों को 40 साल का बता पूरे सोशल मीडिया पे, ये मेरी अम्मी है। फ्रेंड उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए, लेकिन उन्होंने वीडियो क्यों चढ़ाई है जब उनको पता था कि ये ट्रेंडिंग में आएगा, ये फनी लगेगा, इसलिए ही उन्होंने वीडियो बनाई है। तो ये इतनी वो मुझे लग रहा था आएगा, जो उन्होंने जिस तरीके से कहा था ना तस्वीर पकड़ के, ये मेरी अम्मी है तो वो बड़ा ट्रेंडिंग में भी आया, बड़ा मजाक भी बना। बाद में उन्होंने कहा अपने घर वालों ने कि ये एक बूढ़ी है तू उनका मजाक बनाया जा रहा है, ये क्या बात हुई। तो आपने खुद ही मजाक बनवाने के लिए चढ़ाया, फिर आप अपलोड ही ना करते। जब आप राइट दे देते हो ना वीडियो अपलोड करके कि आप जब हम फिर आप कमेंट सेक्शन ऑफ कर दें हर जगह का, लेकिन लोग रीपोस्ट करेंगे। एनीवेज फ्रेंड्स आज अभी फ़िलहाल के लिए बहुत सारी बातें हो गई हैं, आज के लिए नहीं अभी फ़िलहाल के लिए बहुत सारी बातें हो गई। 3 hours later फ्रेंड्स मैंने नमाज़ पढ़ ली थी ज़ुहर की भी, आई फील 3-5 hours गुजर गए हैं, 3 तो कन्फर्म है, 4-5 आई फील गुजर गए हैं, 4 hours। तो अब मैंने असर की नमाज़ भी पढ़ ली है, यहाँ पे जेजी बैठा है तस्बीह के साथ खेल रहा है। और बाहर सीन दिया था कि मैंने जब असर की नमाज़ पढ़ने के लिए वजू करने जा रही थी तो मैंने सोचा दालें भिगो दूँ, राइसेस भिगो दूँ, ऑरेंज दाल, येलो दाल एंड राइसेस को इकट्ठे भिगो दिया, और वह एक अलग से किस्म की खिचड़ी बनने वाली है जो कि मामा बना रही हैं बाहर। और कितना टाइम लग जाएगा आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? 10 मिनट्स मामा कह रही हैं। और मामा कह रही हैं तुम तो रोज़ आए, मामा कह रही हैं तुम तो रोज़ आई रख लेती, मुझे लगा आपने मुझे बुलाया, जितना तुमने टाइम बुक ही रह लियो तुम। पर फ्रेंड मैंने पानी पिया बीच में, ये नहीं कि मेरा रोज़ा था, मुझे पता है मैंने क्या कितने बजे सुबह कुछ खाया मैंने रोज़ा रखने के बाद, नहीं खाया रोज अम्मा रोज़ा रखने के बाद। फ्रेंड ये नहीं, इन सिंपल वर्ड्स मेरा रोज़ा नहीं है, और रोज़ा ऐसे नहीं रखा जाता कि आप पूरा दिन कुछ खाएं ना और कह दें कि मेरा रोज़ा है, आपको बकायदा कुछ खाना पड़ता है रोज़ा रखने से पहले, है ना अम्मा? या और 10 मिनट्स बाद ना आपके साथ लुक शेयर करते हैं जो हम नई किस्म की खिचड़ी बना रहे हैं ना, अगर आपको हमें अच्छी लगी ना टेस्ट में तो आई एम गोना गिव यू गाइस द रेसिपी ऑफ दिस। मामा ने बनाई है, मामा से रेसिपी लेके दूंगी। सिंपल क्या हुआ, ये क्यों इतने दिनों से गायब था? कार्टून लगा दूं अपना फोन लेके। और ये फ्रेंड मुझसे मैच भी हो रहा है, लाइटें मामा ने ऑफ कर दी हैं, येलो मेरे आउटफिट से एंड ब्लू मेरे दुपट्टे से, कोई मसला नहीं। A few moments later फ्रेंड ये जो भी होना था हो गया, और कुकर की सीटी ही नहीं बोली, पता नहीं पतले होना था। अम्मा जो भी हमारे चावल बहुत लंबे हैं, जितना मर्जी हम इसको पतला कर लें इन्होंने वैसे दाल की तरह नहीं होना, और इसमें हमें दाल ज़्यादा डालनी चाहिए थी, ये तो चावल चावल ही लग रहे हैं, तो दाल चावल मिक्स कर दिए ऐसे लग रहा है, वो तो लग ही रही थी दाल 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 दाल। इसके ऊपर मुझे आप धनिया डाल के देंगी साथ में चार, ये देखें भाई मेरी प्लेट तैयार है और ये इतना बड़ा धनिया, चलें अंदर चलते हैं। फ्रेंड्स फ्रेंड ये देखें जी, मामा ने हमें कुछ ऐसे सर्व किया, इसको ना मैं खाती हूँ फिर आपको रिव्यू देती हूँ, चार भी है साथ। यमी लुक्स यमी, लेट्स सी हाउ दिस टेस्ट लाइक। 6 hours later फ्रेंड यहाँ पे सीन दिए थे कि मैंने आपको रिव्यू देना था, वो जो मेरी शक्ल से ही पता चल गया। फ्रेंड मैं आपको बताऊँ किन लोगों के लिए, जो दालें और सालन जो है ना पकते पकते ही बोल में डाल डाल के चम्मच से खाने लग पड़ते हैं, ये मामा ने मुझे पहले भी कहा था और मुझे समझ नहीं आई थी, शायद मामा से सही पका भी नहीं, तो मामा ने ये फिर और ज़्यादा अच्छे से मुझे कन्विंस किया ये बात कह के। और मामा ने कहा मैंने ऑयल डाल, मैंने बल्कि मामा को कहा ऑयल तो डाला नहीं आपने इसमें, और मुझे लग रहा है कि मामा से सही पका नहीं, और सीटी भी नहीं बोली, मामा का जो 40 साल का एक्सपीरियंस है ना आज पता चल गया कितना का अच्छा एक्सपीरियंस है। वैसे तो मैं देखती रही हूँ लेकिन आज पहली बार जो है ना काटा काटा
क्रॉस हो गया फ्रेंड्स मीन्स, लेट्स सी कि अगली बार हम इसको बनाएंगे कि नहीं, वैसे तो नहीं बनाएंगे। आपने अगर बनाना है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर तो आपने बनाना है तो ये सोच के बनाए, अगर तो आपको पसंद है ना दाल चमचों से कहानी या ये वो सारी सीन, तो फिर बनाए, फिर आपको पसंद आएगा। हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, ऐसा लग रहा था दाल चावल मिक्स करके पका दिए या पता नहीं अजीब सा, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। तो अब हम एक और मील खा रहे हैं, वो हमने इतना खस्ता खाया था, बल्कि मैंने तो वो फ्रेंड्स सुबह का कुछ नहीं खाया हुआ था, वो ना मज़े का होता वो है बिना, वो मैंने पूरी प्लेट खा ली थी जो आपके साथ शेयर की थी ना, मामा ने तो इतना सा खाया, थोड़ा सा फ्रेंड मैंने फ्रिज में रख दिया एंड थोड़ा सा शुक्र है हम वेस्ट नहीं हुआ। और अब देखते हैं फ्रेंड उसका क्या करना, कल कुछ करेंगे, कुछ करना उसका नहीं, कुछ करना उसका कल, उस अम्मा उसका कल आएगी तो देखेंगे। फ्रेंड यहाँ पे सीन ये है कि जल्दी उठने वाला बहुत सारी क्षमादान मैंने बॉल दी है, मामा ने जो कहा मैंने पेट कर दिए जला दी हैं। ये पराठा है और ये बहुत ही मज़े का लग रहा है, आज मेरे पराठे की कसर पूरी नहीं हुई थी तो मैं पराठा बना रही हूँ अपने लिए। फर्स्ट चीज़ ये है एंड सेकंड चीज़ ये है कि एक रोटी चीनी वाली मामा की, एक मेरी है, और परसों मैंने चीनी वाली रोटी बनाई थी, मामा को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, मैंने अगेन मामा को ऑफर किया एंड मामा वाज लाइक पहले तो ना मेरी शुगर चेक करो, और वो एग्जैक्ट आई है 99, 3-4 दिनों से एग्जैक्ट 99 आ रही है। और आपने ये नहीं समझना कि 99 जो नहीं चेक करते उनको लग रहा होगा शायद 99 खाए, या मामा को शुगर है, हम वैसे भी शौक शौक में भी करते रहते हैं, अल्लाह फ्रेंड मुझे हिम्मत दे और मैं भी चेक कर पाऊँ, मुझे वो मामा की जो तकलीफ देख रहा टक, पर मामा को मज़ा नहीं लग पड़ा लगता है, मामा कहती हैं मुझे मज़ा नहीं आता, मुझे अम्मा की आवाज़ नहीं आनी, मुझे हेल्थ का ये होता है, लोग तो 6-6 महीने बाद जो है ना वो करवा रहे होते हैं टेस्ट, तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, तो ये सारे सीन्स हैं। और मैं सोच रही हूँ, मामा कह रही हैं कि मैं सोच रही हूँ कि मैं ले लूँ एक कौन सी मशीन, बीपी ऑपरेटर। ओके, साथ में हमारे पास चाय, और चाय मैंने ना इतने से दूध से बनाई है, और मुझे आने की सुस्ती थी, दूध लेके जाने की सुस्ती थी, तो अब अल्लाह करे मामा को तो पसंद आ जाती है, मामा तो फुल पतली भी पी लेती हैं और मामा खुश होकर पीती हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद आती, लेट्स सी मुझे पसंद आती कि नहीं। मामा ये वाइट वाली मेरी है, येलो वाली आपकी है, एंड ये मामा की चाय है येलो, मांग में नीडो वाले, और होपफुली मामा को अच्छी लगेगी, ठीक है। चलो खाना शुरू करो, मामा से मैंने पूछा था पराठा आपने सिंपल वाला खाना, शी वाज लाइक नो नॉट एट ऑल, मेरा पोट आगे चीनी वाली रोटी से मैं बहुत फुल हो जाऊँगी। नहीं, इस क्लिप की मैं बात कर रही थी, ये है जी परसों का क्लिप जो मैंने मीठी रोटी बनाई थी चीनी वाली, और मामा को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो इसीलिए फिर मैंने आज मामा को ऑफ़र की, साथ में चाय थी इस दिन भी। और फ्रेंड मुझे ना एक नई चीज़ अच्छी लगने लगी है कि मैं चीनी वाली रोटी को चाय के अंदर डिप करके खाती हूँ, और इतना अच्छा इसका फ्लेवर आता है ना, आई डोंट नो व्हाई। और अगर आपको मेरी चीनी वाली रोटी की रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट।